हेलो इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द चैनल गेमिंग अम्यूजमेंट्स, एवरीथिंग अबाउट गेमिंग। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, लेटेस्ट जीफोर्स आरटीएक्स 3070 टीए, जिसको हम करने वाले हैं आज अनबॉक्स। तो आइए जल्दी से करते हैं इसके अनबॉक्स, पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड लिया है वो है आईगेम की तरफ से आने वाला एडवांस सीरीज का जीफोर्स आरटीएक्स 3070 टीआई। इसमें हमें मिलते हैं रे ट्रेसिंग और डीएलएसएस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और ये बेस्ड है एनवीडिया की एम्पियर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रंट से ये बॉक्स ऐसा दिखता है, ग्राफिक्स कार्ड ऐसा है, जो बीच का फैन है वो एक आरजीबी फैन है, और इसका जो बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर इन्होंने ग्राफिक्स कार्ड के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। एंड इसके जो आरटीएक्स 3070 के फीचर्स है, की फीचर्स जिसपे हमें मिलते हैं सेकेंड जनरेशन रे ट्रेसिंग कोर्स, थर्ड जनरेशन टेंसर कोर्स, पीसीआई एक्सप्रेस जेन 4 एंड माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स 12 अल्टीमेट, और ये खासकर आता है GDDR6X ग्राफिक्स मेमोरी के साथ। जो पहले का 3070 था वो आता था GDDR6 का ग्राफिक्स मेमोरी के साथ, एंड बाकी के जो एनवीडिया के एक्सपीरियंसेस है वो भी हमें इस पे मिलते हैं। ये एक वीआर रेडी है एंड सपोर्ट्स अप टू 4K रेजोल्यूशन। तो करते हैं इसे अभी हम अनबॉक्स। तो इसमें हमें मिलता है ये आई गेम का, ओके, इसमें हमें मिलते हैं ग्लोव्स, ये स्टैटिक ग्लोव्स है, ये हमें मिलते हैं। बाद में इसका मैनुअल, सेटअप मैनुअल हमें मिलता है। एंड वाओ, इसके साथ हमें मिला है ये एक स्क्रू ड्राइवर, दो स्क्रूज के साथ। एंड फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 फैन का कूलर है, बैक प्लेट मेटल की है, एंड यहाँ पे हमें 2 पोर्ट्स मिलते हैं पावर केबल्स के लिए। एंड ये आता है आई गेस इस पे 3 डीपी पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट हमें मिलता है। ये है HDMI पोर्ट्स और ये है 3DP पोर्ट्स। एंड इसकी सबसे जो बड़ी खासियत है वो है ओवरक्लॉकिंग का बटन। ये हमें बटन, जैसे आप प्रेस करोगे आपका कार्ड जो है वो ओवरक्लॉक करने लगेगा, तो इस पर आपको कुछ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो लुक वाइज ये बहुत ही शानदार है, यहाँ पे आपको RGB मिलती है, एंड ये जो फैन है इस पे भी आपको RGB मिलती है। तो अभी हम बात करते हैं कार्ड के परचेस के बारे में। तो ये जो कार्ड है मैंने परचेस किया है एम्प्रेस कंप्यूटर्स लखनऊ से,
वहाँ पे उनकी खुद की स्टोर है एंड उनकी खुद की वेबसाइट भी है जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंड जहाँ से अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप कार्ड अपने लिए मंगा सकते हैं। पर मंगाने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप पहले रिसर्च करें कार्ड के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में एंड अगर हो सके तो ऑनलाइन वेबसाइट से मोस्टली जो कार्ड है वो जो अपने ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ से कार्ड मत ऑर्डर कीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्कैमिंग और स्पैमिंग होती है। तो ये जो ऑफलाइन स्टोर्स है जो आपके जानकारी में होते हैं वहाँ से आप ये कार्ड मंगा सकते हैं, या तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से आप बिंदास ये कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और उनकी जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। ये कार्ड मैंने ऑर्डर किया था 12 तारीख को एंड मुझे विद इन 2 हफ्ते के अंदर मुझे ये कार्ड मिल गया। उनकी डिलीवरी सर्विस भी बहुत अच्छी थी और पैकेजिंग मटेरियल भी उन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके भेजा था। तो अगर आपको ये कार्ड परचेस करना है तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।